हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कबड्डी खेल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज होते हैं, चाहे थ्योरी सेशन हो, चाहे एमसीक्यूज है, चाहे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हो, सभी के प्रैक्टिस कराए गए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, थ्योरी सेशन पहले पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, आराम से सब कुछ हल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो कबड्डी भारत में ही शुरू हुआ है। जैसे कबड्डी हो गया, शतरंज यानी चेस हो गया, ये भारत में ही शुरुआत हुआ है इसका। एंड कबड्डी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गुन्नू, हुडुडू, डोंडो। एंड जैसे कि दोस्तों हम बताएं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात में इसको हुतुतू बोला जाता है, तमिलनाडु और मैसूर में इसको चुडुगुडू बोला जाता है, केरल में इसको वानचक्ता बोला जाता है, बांग्लादेश में इसको बांग्ला में हेडुडू बोला जाता है, और यानी कि बांग्लादेश में हुडुडू बोला जाता है, उत्तर भारत में कबड्डी बोला जाता है, श्रीलंका में इसको गुड्डू बोला जाता है, इंडोनेशिया में चब बोला जाता है, नेपाल में डोडो बोला जाता है, पाकिस्तान में कबड्डी, भारत में कबड्डी, मालदीव में इसको भावती के बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कबड्डी को चब नाम से किस देश में जाना जाता है? तो इंडोनेशिया में कबड्डी को चब नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुआ? दोस्तों, तो 1951 में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी? तो 1918 में। वो भी कहां पे शुरू की गई थी भारत की कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता? तो सतारा, महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? तो 1987 में। नेक्स्ट है, विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता आयोजित, प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी तो कलकत्ता, भारत में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, कि भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष थे एच के गोडबोले। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1990 बीजिंग चीन में इसको शामिल किया गया कबड्डी को, क्योंकि ओलंपिक में शामिल नहीं है कबड्डी। नेक्स्ट है, कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो 1972 में दिया गया, और 1972 में प्रथम अर्जुन पुरस्कार कबड्डी क्षेत्र में किसको दिया गया? तो सदानंद महादेव सेठी को दिया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 2002 में दिया गया। किसको दिया गया 2002 में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कबड्डी में? तो ईश्वर प्रसाद को दिया गया। नेक्स्ट है, कबड्डी में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? तो 1952 में। कबड्डी में महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? तो 1995 में। यानी कबड्डी में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1952 में, कबड्डी में महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू हुई 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट है, कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित किया जाने लगा? तो 1962 में। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए कबड्डी की मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो 13 मीटर। जैसे कि दोस्तों, पुरुषों के लिए कबड्डी मैदान की लंबाई होती है 13 मीटर, चौड़ाई होती है 10 मीटर, लॉबी होता है 13 × 1 यानी 1 मीटर चौड़ा होता है, जो बकलाइन होता है वह होता है आपका, बकलाइन होता है सेंटर लाइन से 375, एंड बोनस लाइन होता है सेंटर लाइन से 475 मीटर, एंड इंड लाइन बोनस लाइन से होता है 1.75 मीटर, और सीटिंग ब्लॉक जो होता है 8 × 1 मीटर होता है। ठीक है, और जो इंड लाइन से 2 मीटर दूरी पर सीटिंग ब्लॉक होता है। महिलाओं के लिए जो ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई होती है 12 × 8 होती है, और पुरुषों के लिए 13 × 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए कितनी होती है चौड़ाई, जो है 8 मीटर, और लंबाई कितनी होती है 12 मीटर। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों, कुल 12 खिलाड़ी होते हैं कुल पूछेगा तो, और कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पे कितने का मतलब है प्रत्येक पक्ष में कितने होते हैं, 7। तो 12 कुल होते हैं, 7 खेलते हैं, 7 स्थानापन्न होते हैं। नेक्स्ट है, कबड्डी में लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो लॉबी होती है 1 मीटर चौड़ा। नेक्स्ट है, कबड्डी में मध्य लाइन से यानी मिड लाइन से सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है? तो 3.75 मीटर होता है।
नेक्स्ट, कबड्डी में मध्य लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? तो 4.75 मीटर होता है, 4.75 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, कबड्डी में एंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? तो एंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी 1.75 मीटर होता है। नेक्स्ट, कबड्डी में सीटिंग ब्लॉक की चौड़ाई कितनी होती है? तो सीटिंग ब्लॉक की चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है, और लंबाई जो होती है सीटिंग ब्लॉक की वो 8 मीटर होती है। अब महिलाओं की पूछे सीटिंग ब्लॉक तो वो 6 × 1 मीटर का होता है, और पुरुषों की 8 × 1 मीटर का। एंड नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में लाइन की मोटाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। जैसे कि मैं सभी वीडियो में बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा मोटा होता है फुटबॉल का 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद होता है हॉकी का 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सबका 5 सेंटीमीटर होता है। सबसे कम होता है बैडमिंटन का 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में कितने रिजर्व होते हैं? तो वह 5 होते हैं, 7, 5, 12। दोस्तों 5, कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 आपका मैदान में खेलते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट, कबड्डी खेल में जब खिलाड़ी विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेडर कहते हैं, जो जाता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए। नेक्स्ट, कबड्डी खेल में जब रेडर डालते वक्त बोनस लाइन को पूर्ण रूप से पार कर लेता है तो उसे बोनस के रूप में पॉइंट मिलते हैं। तो कितने पॉइंट मिलते हैं? बोनस के रूप में 1 पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट, कबड्डी खेल में जब विपरीत टीम के आखिरी खिलाड़ी को रेडर आउट करता है तो वहां पे क्या मिलता है? दोस्तों, जब विपरीत टीम के सभी खिलाड़ी को यानी आखिरी खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है तो वहां पे 2 अंक का लोना मिलता है। क्या मिलता है? लोना। नेक्स्ट, कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन कब से किया जाने लगा है? तो कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन 2004 में से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? तो 10 मीटर होती है, और लंबाई कितनी होती है? 13 × 10 मीटर का होता है मैदान आपका पुरुषों के लिए कबड्डी का, और 12 × 8 मीटर का होता है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, महिलाओं के लिए कबड्डी की मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो 12 मीटर, ये हो गया। नेक्स्ट है, भारत में कबड्डी का संचालन कौन करता है? तो AKFI करता है। एंड AKFI का फुल फॉर्म क्या है? तो AKFI का फुल फॉर्म ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, AKFI कब बनी? तो AKFI बना 1973 में। ठीक है, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना 1951 में हुआ है, और ये AKFI कुछ दूसरा है, ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुआ है 1973 में। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में मैच की अवधि कितनी होती है? दोस्तों, ये 40 मिनट का गेम होता है, 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और बीच में जो गैप होता है मध्यांतर होता है 5 मिनट का होता है। नेक्स्ट, कबड्डी विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात आयोजित किया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, एशियाई गेम हो गया, ये सभी क्या होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं, बट यहाँ कबड्डी विश्व कप जो है वो 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट है, 2004, 2007, 2010 कबड्डी विश्व कप में भारत की क्या स्थिति रही है? तो तीनों में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। क्या किया है? तीनों में भारत ने कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। इस बार जो हुआ था उसमें पाकिस्तान बाजी मार गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कबड्डी से रिलेटेड मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराया है। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।